हमारे डिपार्टमेंट के वजीर आलम प्रोफेसर उमेर वजीर सर, फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे सीनियर्स और मेरे दोस्तों, इंजीनियरिंग के 1461 दिन, जिसमें पहला दिन एडमिशन, बाकी के 1459 दिन हम ये सोचते हैं कि हो क्या रहा है, और आखिरी दिन ये फेयरवेल। तो इसी इंजीनियरिंग की लाइफ में मैंने कुछ लिखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपनी तालियां और वाह वाह से इत्तला करना। शुरू करता हूँ। स्कूल के बाद आया कॉलेज का जमाना, स्कूल के बाद आया कॉलेज का जमाना, आईआईटी ना मिला तो डीआईटी ने संभाला, आईआईटी ना मिला तो डीआईटी ने संभाला। दिलकश था यहाँ का नजारा, दिलकश था यहाँ का नजारा, पहाड़ों के बीच बचा एक छोटा सा सियाना, पहाड़ों के बीच बचा एक छोटा सा सियाना। वो मासूम से चेहरे और मिले नए दिल, सारा भाई भाभा में बनता था सिंह, और पकड़ा था एंटी रगिंग वालों ने पहले ही दिन। धीरे धीरे सब समझ में आया, पनीर के नाम पे रबड़ और रोटी में मुझा सीमेंट मिलाया, पनीर के नाम पे रबड़ और रोटी में मुझा सीमेंट मिलाया। और आगे की लाइन है, दोस्ती के चक्कर में हम कुछ ऐसे खो गए जिससे करना था इजहार उसे ही भूल गए, करना था इजहार उसे भी भूल गए, और आ ही गया वो पल जिसका हमें डर था, सेशनल में तो अपना डब्बा गुल था, वो एक रात पहले की ग्रुप वाली पढ़ाई, सुबह होते ही नानी याद आई, जैसे तैसे नैया पार लगाई, दिवाली आई घर की याद लेकर आई। अब जब दिवाली के बाद आते तो क्या सीन होता है, वापस आते ही हालात कुछ और थे, एग्जाम पास थे और दिन कम थे, फिर से एक रात की लड़ाई दिलो जान से लड़ी, इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण नंबरों से पास करी। और ये इंजीनियरिंग का हर एक स्टूडेंट सोचता है कि अब अगले सेमेस्टर तो ऐसा पढ़ूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो उसके ऊपर है कुछ। नया सेमेस्टर था, सोचा इस बार फोड़ देंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, पढ़ाई ऐसा करेंगे कि सबको पीछा छोड़ देंगे, पर ऊपर वाले ने क्या खेल खेला, ये सेमेस्टर तो सारा घूमने में निकला। सोम टोम डोम ने बड़ा सताया। स्केच क्या होता है अब समझ में आया, कभी ना कभी ये तो होना ही था। बैक दीवार और रोना भी था। समय और सेमेस्टर के साथ हम भी बदल गए। फ्लूइड के फ्लो में हम भी बह गए। असाइनमेंट लिख लिख के थक गए। जैसे तैसे हम पास होते गए। उसके बाद हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, खुद एक मन में आते हैं आप सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए कुछ। फिर सोचा कुछ सीरियस होने का, गेट क्रैक करने का प्लेसमेंट लेने का। पर फिर से जाल में फंस गए। कभी अटेंडेंस तो कभी प्रोजेक्ट में लग गए। और ये आखिरी लाइन, 4 साल हम सिंगल ही रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी लाइन कुछ आप सबके लिए, अब जा रहे हो कॉलेज को छोड़कर
इस परिवार को छोड़कर अपनी यादें को बटोर कर तुम अब जा रहे हो कॉलेज को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर अपनी यादों को बटोर कर अब हंसे या रोए समझ नहीं आता, अब हंसे या रोए समझ नहीं आता, बीते हुए पल को कभी भुलाया नहीं जाता, बीते हुए पल को कभी भुलाया नहीं जाता।